आज हम बना रहे हैं भुनी हुई दाल। उसमें अभी हम इसमें हमने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और उसमें 1 मीडियम प्याज फ्राई करी और उसमें लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक डाला है, उसको भून रहे हैं। उसके बाद 1 चम्मच हम टमाटर डालेंगे, पीछे में टमाटर है तेज, और हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, आप इसमें हल्दी डालिए, 1 टीस्पून नमक डाला है। अब हम इसको भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छी तरह इसको भूनने के बाद भून लेंगे, अच्छी तरह मसाला थोड़ा सा पक जाए। अच्छी तरह इसको भूनने के बाद हम इसको भून रहे हैं मसाले को, प्याज, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और टमाटर के साथ हम इसको भून रहे हैं मसाला। जब ये मसाला तेल छोड़ दे तो हम इसमें और थोड़ा पानी डाल के भूनना है। ये हमने 1 पाव भीगी हुई दाल मूंग मसूर की और इसमें शामिल कर दी और फिर इसको भून लिया। हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। पानी डाला, मीडियम पानी डाला कि दाल भीग जाए और ये ड्राई होती है। अब इसको हम दम पे गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी दाल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक का इस्तेमाल करेंगे, डाल देंगे और इसको खाएंगे। हमारी दाल तैयार है।